बन रहा है, बहुत बड़ा कैंपस है, दम धाकड़ जबरदस्त। देख सकते हो भाई, बहुत सही सही हेलमेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, गियर हुआ जो भी आपको गियर हुआ। इतने पैसा कहाँ से लाया रे? देखिए लिखा। तो भाई साहब जोहार झारखंड, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त जबरदस्त धक्कादड़ जबरदस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं गोलू के साथ, और रही बज रहे लगभग दोपहर के 2 और हो चुका है। आज हमारा मार्केट नहीं था, आज हम जो थे घर में थे कुछ काम वर्ष। तो अभी है जो गोलू ने लिया है नया बाइक, आप देख सकते हो MT 15 जो लिया है। तो बस अभी ये है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं हेलमेट लेने के लिए और गाड़ी का नंबर प्लेट लेने के लिए। तो गाड़ी का नंबर प्लेट इसे अभी नहीं प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि अगर आप अभी कोई नया गाड़ी अगर ले रहे हैं तो इसमें आपको दोनों हेलमेट का, मतलब आगे पीछे जो दो आदमी बैठेंगे, दोनों हेलमेट का बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो अनिवार्य है, GST बिल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट अभी निकलते हैं। तो भाई साहब अपन जो है हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे? तो कच्छप हेलमेट शॉप के पास। ये हेलमेट शॉप जो है आपका कहाँ पे है? DPS से पहले जो ब्रिज पड़ता है, ब्रिज का नाम क्या है? डिब्बी पुल से पहले आपको उधर से डिब्बी पुल तरफ आइएगा तो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, और इधर जाइएगा तो आपको राइट साइड में दिख जाएगा कच्छप हेलमेट। और आ गया गोलू, अब देखते हैं। उस दिन ही देखे थे हम, थोड़ा सा गोलू को दिखाएंगे कैसा ऐसा हेलमेट, तो हेलमेट लेना ही था। अब देखते हैं, यहाँ पूरा गियर वियर सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। उस दिन आपका शॉप वहाँ से देखे थे, हम बोले थे कि एक बार देख लेते हैं। नया नया खुला है ना ये शॉप? वो कलर का बाइक है, उसका हेलमेट चाहिए। उस कलर का बाइक है, वो उस कलर के कॉम्बिनेशन में चाहिए था। देख ये उसी कलर कॉम्बिनेशन में है। देख सकते हो भाई, बहुत सही सही हेलमेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गियर वियर जो भी आपको गियर वियर मिले, गियर वियर एसेसरीज गाड़ी का सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ओ भाई साहब चप्पल ही पहन के पहुँच गए हैं भाई। भाई ये वाला हेलमेट बहुत अच्छा लग रहा है यार, आपको कैसा लग रहा है बताओ तो? ऐसा हेलमेट गाड़ी ग्राफिक्स अच्छा मैच कर रहा है। गोलू पहन के देखो, पहनो ना रे, वो फिक्स हो जाता है वो धीरे धीरे ना। हेलमेट पहनने आता है भाई तुमको, क्या बोलेगा अभी? साइड से पकड़े घीच के हेलमेट पहनना पड़ता है। सच बड़ा होगा इसका, ये हेलमेट ले लो बाबू, तेरा मुड़ी में खप गया है, अच्छा दिख रहा है। मतलब अभी फिक्स थोड़ा तो कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? जो आपका जॉ वाला है ना, मस्त दिख रहा है ना, ये दबेगा, ये आपका बहुत सही है। अब देखते हैं इसका प्राइस कितना पड़ता है, कौन सा हेलमेट पसंद करते हैं हम लोग, और किसका कैसा प्राइस पड़ता है। भाई कैसा लग रहा है? एक पैर में है एक पैर में नहीं है। बोलो एक पैर का मिलेगा, एक पैर का लेगा? हाँ एक पैर का नहीं लेते, एक पैर का ले लेते हैं। सबसे मस्त कैसा लग रहा है भाई? वैसे सबसे ज़्यादा यही चलता है अभी, प्रो बाइकर है ना, प्रो बाइकर कहना भी ये वाला। हाँ प्रो बाइकर के साथ सबसे ज़्यादा चलता है, देखते हैं। क्योंकि बजट में आया था ये आपको मिल लगभग वही 1300-1200 के आसपास में आपको मिल जाता है ये। तो हम लोग का बेसिकली ये वाला हेलमेट पसंद आया है, ये वाला थंडर, इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। और ये ले रहा है ना, और ये वाला ग्लव्स प्रो बाइकर जो मेरे पास था, तो काफ़ी सही है प्राइसिंग राशि में, काफ़ी सही हमको लग रहा है मेरे हिसाब से। इसका लगभग कितना बोले भैया? 1900 बोले ना हेलमेट का, 1900 हेलमेट का है, और इसका 300-350 रुपये आसपास ग्लव्स का है। तो भाई साहब फाइनली जो है अपन जो हेलमेट वेलमेट सारा कुछ ले लिए, अपना जो अस्त्र शस्त्र है उसको ले लिए हैं, और गोलू बन चुका है राइडर और हम भी राइडर प्रो बन चुके हैं। यस देख रहे हो, यस एक बार ऐसे कर दो, यस सामने इसका दिखा इस तरीके का दिख रहा है, ईगल वाला पूरा दिया है लुक एकदम। तो भाई साहब अभी रास्ता है जब हम जा रहे हैं अभी इधर से आयम रांची जो है इधर नया बन रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार का आयम रांची यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो रास्ता आपका पड़ता है अरगोड़ा सदर घुस के इधर से हम लोग रिंग रोड होकर घर निकल जाते हैं, तो वही रास्ता में आपका आयम रांची सारा कुछ बन रहा है। बहुत बड़ा कैंपस है, दम धाकड़ जबरदस्त एकदम जिला फाड़ बना रहा है, मां कसम उल्टी हो जाएगा रे, इतने पैसा कहाँ से लाया रे? देखिए लिखा हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची पासपोर्ट सेवा केंद्र, कहाँ घुसा रहा है बे?
इधर इधर कैंपस इस तरीके का है और यहाँ से आपको पर्सनल रोड मिल जाएगा, ठीक है। बट इस प्रकार से अगर थोड़ा सा हवा आ रहा होगा तो उसके लिए हम बहुत खेद है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कैंपस कुछ इस तरीके का है, नीचे जो पूरा हॉस्टल बन रहा होगा, इधर ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम होगा, इधर पर कुछ एंट्री गेट कुछ इस तरीके का है। अब अंदर नहीं घुसने देगा बे, देख सकते हो भाई कितना सुंदर बना रहा है भाई। जितने भी लोग आगे पढ़ते हो, पुरना कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, नया कॉलेज तो बन रहा है, छोटका बजेगा आप लोग को पढ़ाता होगा, तो देख लिए ना। तो भाई साहब हम लोग फाइनली जो आ गए हैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए, यहाँ पर जस्ट अपोजिट में है कृषि उद्यान जो पंडरा बाजार है। हाँ, ब्लैक कलर का है, ग्रे कलर का है। ये पूरा पूरी 2 लाख पड़ता है गाड़ी का, पूरा पूरी 2 लाख पड़ता है गाड़ी का, बीस तीस रुपये का, 20-30 रुपये में आपको चॉकलेट मिल जाएगा, आप जाके खा सकते हैं। तो बस सब यही है, नंबर प्लेट फटाफट लगवाते हैं, आप दिखा दे कैसा नंबर प्लेट लगा रहे हैं। इसी टाइप का जो ब्लैक कलर का ये है, इस टाइप का नंबर प्लेट लगवाना है, तो बस नंबर प्लेट लगवाते हैं। अपाची का जो पोस्टर तुम बोला ना वो सही है, जैसे तुम बोला ना अभी इससे पहले, अपाची जो 310 है ना, अपाची 310 है ना, उसका पोस्टर ऐसा ही है पहले बोला ना, यही बोले ना। हाँ कौन, अपाची 310 ये वाला ना। तो भाई साहब अपन जो है फाइनली आ चुके हैं घर, और कुछ इस प्रकार का आज का दिन गुजरा, सारा काम कार्यक्रम सारा कुछ खत्म करके आ चुके हैं। वेयर इज आवर मदर, मदर मदर वेयर इज आवर मदर, बुला गई का, वो इधर है, हसी इज माय मदर। तो बस अब हमको लग बहुत जोर से दिक्कत हो गया थोड़ा, तो कपड़ा वपड़ा चेंज यूज करते हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज यूज करते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और आप भी थोड़ा इंतजार मत कीजिएगा, आपके लिए तो बस यूं है, ऐसे करेंगे आपसे मुलाकात हो जाएगी।